सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है। आज है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया इसे बड़े जोर शोर से मनाती है। हमारे टीवी स्क्रीन पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े तमाम पर्यावरण प्रेमियों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का महत्व बेहद खास है, क्योंकि कहते हैं पर्यावरण यदि सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा। आज जागृत पर्यावरण समिति के बैनर तले अंधेरी पश्चिम के बीएमसी कार्यालय के सामने लोगों को पानी दिया जा रहा है, फूल दिए जा रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण की सुरक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं। दोस्तों, हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रकृति प्रदत्त का एक ऐसा विशिष्ट घटक है जिसकी सुंदरता, शीतलता, हरियाली हर व्यक्ति को हमेशा आराम, इत्मीनान, सुख, शांति और चैन देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वृक्ष का कुछ भी अपने लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जीता है। इसके फूल, पत्ते, टहनियां, फल, बीज, तने, जड़, छाया, शीतलता, हरियाली और सुंदरता सब हम प्राणियों के ही काम आते हैं, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्षों के इन अजस्त्र अनुदानों के बावजूद मानव जाति अपने स्वार्थों के कारण वृक्षों को काटता चले जा रहा है। इससे वृक्षों की संख्या घटने लगी है, किंतु यदि हम चाहते हैं कि ये प्राकृतिक की बेशकीमती धरोहर कभी खत्म ना हो तो हमें इसके साथ ही अपनी निकटता बढ़ानी होगी, इसके प्रति संजीदगी दिखानी होगी, इसके संरक्षण का प्रयास करना होगा। जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं हमारे साथ अमजद खान और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कभी मैंग्रोव को लेकर, कभी पेड़ पौधों को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? सर, आज जो हमारी ये पूरी अंधेरी की जो पूरी टीम आज जो ये काम कर रही है पर्यावरण को किस तरीके से बचाने का एक मुहिम छेड़ी हुई है, तो हम लोग यही लोगों को संदेश देंगे कि जिस तरीके से गर्मी पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में जो बढ़ रही है, वो इस कारण बढ़ रही है कि हमारे इधर ग्रीनरी खत्म हो रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और लोगों को जो है गर्मी से राहत पहुंचाने का काम करें। वो तो हमारी टीम तो करती है, पूरे हर साल हम लोग हर अलग अलग जगह पर बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, मैंग्रोव बचाने का काम करते हैं, हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन लोगों का भी सहयोग होना चाहिए हमारे को। इसलिए आज हमने अंधेरी के अंदर ये प्रोग्राम रखा है ताकि लोगों को हम लोग ये संदेश दे सके कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम लोगों को आने वाले दिनों पे गर्मी से राहत मिले और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, जिस जिधर पे पानी हरियाली रहेगा उधर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा और पानी मुंबई के लिए आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लगाई जाए। वैसे कुदरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो मानव प्रजाति के लिए बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो पेड़ पौधों से हरा भरा पूरा का पूरा वातावरण। जैसे एक स्वच्छ हवा की हमें आवश्यकता होती है तो एक सुरक्षित पर्यावरण की जरूरत भी बेहद जरूरी होता है। वैसे अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें आज 5 जून का दिन है। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी का जो पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, पूरे देश में गर्मी का सितम जारी है और इसका कहर लोगों के जीवन पर टूट रहा है। लोगों को इंतजार है मानसून का और मानसून के लिए चंद दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में आवश्यकता है कि एक बार फिर हम सब पर्यावरण के लिए गंभीर हो, सज्ज हो। आपका नाम जानना चाहें? सैयद शेख। सैयद साहब, एक बात बताइए, आपके हाथों में फूल है, क्या कर रहे हैं आज आप? फूल इसलिए है सर कि हम एक संदेश देना चाहते हैं लोगों के लिए कि जैसे आप देख सकते हैं कि मुंबई में आज ऑक्सीजन है किधर, जो बड़े बड़े झाड़ सब आप देख रहे डेवलपमेंट के हिसाब से बोलो या तो MMRDA के हिसाब से बोलो, लोग मतलब काट रहे हैं झाड़ को, कटाई कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि झाड़ लगाना चाहिए क्योंकि झाड़ रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की खूब बहुत कमी है आप देख सकते हैं कि, और इसी गर्मी के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी जो झाड़ मुंबई में जो पहले जो झाड़ थे वो अभी दिखने में है ही नहीं किधर भी। इतनी बड़ी चुनौती आपको लगती है इन पेड़ों को बचाना, चूंकि जहां जहां हम बड़े बड़े वटवृक्ष देखा करते थे, सालों साल पुराने जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उन्हें
बड़े बर्बरता से काट दिया जा रहा है सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसे लोगों को आप अपने इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहें? जागरूक पर्यावरण को मैं शुभेच्छा देना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा ही लड़ाई लड़ी है और लड़ते आ रहे हैं काफी सालों से। अमजद भाई हमारे साथ में खड़े हैं जिसके प्रेसिडेंट है वो जागरूक पर्यावरण समिति के। तो एक हम लोग मैसेज यही देना चाहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहले जो मुंबई जो झाड़ थे, जैसे कि मुंबई में एक बिल्डिंग में दिखती नहीं थी, मतलब पूरे झाड़ में छुपी रहती थी, लेकिन आज झाड़ दिखने में है नहीं, पूरी बिल्डिंग पूरी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप जो निकाल रहे हैं नई स्कीम, जो रोड कटिंग में आप झाड़ काटने की परमिशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको रोकना चाहिए। और लोगों से मैं विनंती करूंगा अभी आने वाले बारिश के दिन हर इंसान, एक इंसान ने एक झाड़ अगर लगाया तो आने वाले दिनों में फिर वही मुंबई होगी जो पहले जैसी थी मुंबई थी। बिल्कुल, यदि पर्यावरण सुरक्षित रहा तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुंबई में एक बार फिर से वो सौंदर्यता दिखाई देगी। वैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है जिसका सालाना आर्थिक बजट 52,000 करोड़ से भी अधिक का है। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से समय समय पर यह स्लोगन दिया जाता है, नारा दिया जाता है, स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई। और ये क्रांतिकारी नारे के साथ मुंबई का विकास करती है बीएमसी। लेकिन जिस तरीके से पेड़ों की कटाई होती है उन पर लगाम कसने के लिए कहीं ना कहीं से, चाहे सरकारी संस्थाएं हो या गैर सरकारी संस्थाएं हो, वो समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस्तियाक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर्यावरण समिति की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को पानी दिया जा रहा है, फूल दिया जा रहा है, सिर्फ विनम्रता के साथ इस अनुरोध के चलते कि आप पेड़ों की कटाई ना करें, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 5 जून है, इन्वायरमेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, अरे विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जाता है। ये बनाने का कारण क्या है? 1972 के अंदर एक स्वीडन के अंदर एक चीज बनाई गई कि भाई दुनिया के अंदर जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, जो जंगल है वो खत्म हो रहा है, मैंग्रोव को खत्म किया जा रहा है, मगर ये नुकसान ऑक्सीजन की कमी हो रही है किसके कारण? तो पता चला कि जब अगर पेड़ होंगे नहीं तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए और देश को बचाने के लिए, पूरे दुनिया को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना जरूरी है। अंधेरी पश्चिम में अमजद खान जो कई सालों से पर्यावरण एक उनकी संस्था है वो लेकर काम करते हैं, अगर अंधेरी पश्चिम के अंदर ये जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है, फूल देना और आज प्यासों को पानी पिलाना, पर्यावरण दिवस में इन्होंने जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये ऐसे अच्छे कार्यक्रम उनको रखना चाहिए, मगर मैं सबसे अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ अंधेरी वासियों को, मुंबई वासियों को, पूरे देश को और पूरे विश्व को कि आज जो हालात है वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। मुंबई जैसे शहर के अंदर जिसको राजधानी माना जाता है देश की, उस राजधानी के अंदर पेड़ काट कर बिल्डिंग खड़ा की जा रही है, पेड़ काट कर लोग बड़े बड़े इमारतें बना रही है, नाला जो एक जमाने में 80 फीट 90 फीट हुआ करता था, आज वो नाला को काट काट कर 30 फीट किया गया है, जिससे बहुत नुकसान होगा। जिस मुंबई शहर में पेड़ों का बोचार था, नारियल के झाड़ आपको हर समंदरी किनारे पे दिखता था, आपको हर जगह पेड़ नजर आता थे, आज कहीं पेड़ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर उद्योगपति सबसे बड़े बिल्डर इन लोगों ने ऐसा काम शुरू किया कि जहां पेड़ दिखे वहां पर काटना शुरू और जगह कब्जा करना, मैंग्रोव को काटना, वहां पे बिल्डिंग खड़ा करना, यहां तक के बच्चों को खेलने के लिए जो गार्डन होते हैं उस पे भी कब्जा करके लोग बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, मगर हमारे सभी बड़े बड़े सरकार के मंत्री सोए हुए हैं क्योंकि उन्हें होश नहीं है, उन्हें तो बस अपना घर चलाना है। इस्तियाक साहब, जलवायु परिवर्तन भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक समस्या है। कोरोना वायरस महामारी के महासंकट काल में हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, कई लोग काल की गाल में समा गए, उन्हें समय रहते ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। क्या इसका जो प्रदूषण है, पर्यावरण की असुरक्षा है, क्या इसे जिम्मेदार हम मान सकते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार मानेंगे। आप देखिए, देश की राजधानी जिसको दिल्ली कहा जाता है, प्रदूषण आप देखेंगे वहां पर, लोग खुद समझ रहे इतनी गर्मी हवा ही नहीं चल पा रही वहां पे, और मुंबई जैसे शहर में भी वही हालात पैदा हो रहे। आज ये महीना इतनी गर्मी हो रही है, प्रदूषण कितना, इसको रोकने का काम कहां से करेंगे? तो मैं सबसे देशवासियों से, हर नागरिक से यही कहूंगा, एक तो पेड़ लगाने की कोशिश करें, देश को बचाने का काम करें, विश्व को बचाने का काम करें, ये जरूरी है। याद रखो, अगर इस चीज पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आने वाले समय में आपके आने वाले बच्चे इसके लिए तरसेंगे प्रदूषण से, हम लोग ऐसे ही ऑक्सीजन से बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। अभी जो हमारे संजय मिश्रा साहब जो इन्होंने कहा, सही बात है, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ी, क्या जरूरत थी कमी पड़ने की, तो ये पेड़ काटने का नतीजा है। याद रखो, पेड़ काटो नहीं, पेड़ लगाने का काम करो,
विनाश करने का काम मत करो, विकास करने का काम करो, एक पौधा लगाने की शुरुआत करो। बस यही मैं चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में खून के आंसू आप लोग रोएंगे, ये मैसेज घर घर तक पहुँचना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिनों में गुजारिश की है इन्होंने कि आप कम से कम एक पेड़ तो लगा सकते हैं साहब। हाथों में कटआउट लेकर जागृत पर्यावरण समिति के तमाम कार्यकर्ता वॉलंटियर बनकर अंधेरी पश्चिम रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं, लोगों को रोज बांट रहे हैं, फूल बांट रहे हैं, पानी दिया जा रहा है, और ये अपील करते हुए कि आप पर्यावरण को बचाने में हमारी मदद करें। वैसे आप बता दें, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाए, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाए। अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे to all of us, let us protect our environment for generation to come. Let us celebrate the occasion of World Environment Day by working together to save our planet from everything that harms it. Warm wishes on this day. Happy World Environment Day. It is our responsibility to keep our surrounding clean and green, and we all must make the best of the effort to do so, to save our mother earth and live happily. Happy World Environment Day. यानी ये अपनी माता है, ये जो धरती है ये अपनी माता है, इस माता की सुरक्षा बेहद जरूरी है। माँ की सुरक्षा यदि हम नहीं कर सके तो हमें बेटा होने का कोई हक नहीं है। आज 5 जून है और 5 जून 1972 से ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई है। और भी कई लोग हैं, क्या नाम है आपका? कल्पना। पर्यावरण को लेकर क्या कहेंगे आप? पर्यावरण का एक जीता जाता, अभी कुछ सालों पहले कोरोना हमारे पूरी दुनिया में आया और हिंदुस्तान को ऑक्सीजन का हब होते हुए भी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ी और कई जाने गई, तो उसके लिए कि हमें पर्यावरण लगाना चाहिए। कई संस्था ऐसा काम कर रही हैं जो काम कर रही है, क्या पॉलिटिकल पार्टियों का ये जिम्मेदारी नहीं है? इस बार हमने देखा अखबारों की सुर्खियां बनी, पर्यावरण दिवस प्रथम पृष्ठ पर हमने देखा, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हैं पर्यावरण को लेकर, लेकिन जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं अखबारों में, क्या उस तरीके से काम हो पा रहा है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो धरा पटल पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट जो किए जा रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ज़मीनों पे जाकर जमीनी स्तर पर जाके काम करें। और मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि पर्यावरण के लिए कोई सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि भूमि माफियाओं की वजह से जो पेड़ काटे जा रहे हैं और इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जहाँ रेसिडेंशियल बनाए जा रहे हैं, मैंग्रोव काटे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जो प्राण वायु है उसे छीना जा रहा है। बिल्कुल, प्राण वायु जो है वो छीना जा रहा है। हमारे साथ और भी कई मान्यवर हैं, हम उनके पास जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारी आपकी ये दूसरी मुलाकात है और वो भी पर्यावरण दिवस के दिन ही है। आज क्या कहेंगे साहब? सर, मैं ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। आज का जो दिन है, आज का दिन जो आपने प्रोग्राम लिया है, ये मैं समझता हूँ ये पब्लिक को जागरूकता करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो इंसान के लिए सख्त ज़रूरत है। बीच में कोरोना जो चल रहा था, कोरोना में ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं होने के से कई करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर मर गए। क्या जरूरत थी? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को है जो पैदा करता है, वो एक झाड़ पैदा करता है, जो झाड़ की सख्त ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ती है, आप स्लम में चले जाइए, स्लम में जो झोपड़ झुकी रहती है वहाँ पे हवा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, वहाँ पे लोग तड़प तड़प के मर रहे, पानी के लिए मर रहे। बम्बई जैसे शहर के अंदर, आप मेरे बाजू में इलाका है, पानी की इतनी दिक्कत है जिसके, क्यों? उसका कारण है इन्वायरमेंट, उनका हमारा कारण है कि पानी नहीं आ रहा है। और उसके बाद में आज जो गर्मी जो है, आज हम इधर खड़े हैं बम्बई में, मैं समझता हूँ मेरी पैदाइश 65 की है, मैं आज तक ऐसा दिन नहीं देखा था कि गर्मी में लोग है ना चक्कर आके गिर जाते थे, लेकिन बम्बई शहर के अंदर लोग चक्कर आके गिर रहे पूरे। बम्बई पुलिस को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अनाउंस करना पड़ा कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक लेबर लोग को काम करने के लिए सख्त मना किया है, क्योंकि पर्यावरण का बहुत ही तकलीफ होगी। ऑक्सीजन नहीं होने से उनको बोला है कि आप लोग रुको, क्योंकि इसकी वजह से जाने जा रही है। बिल्कुल जाने जा रही है। और कुछ दिन पहले ईशान्य मुंबई के अंतर्गत आने वाले चेंबूर इलाके में एक बड़ा सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब पहुंचे थे पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन हुजूम जो लोगों का वहाँ उमड़ा
और विकराल गर्मी के चलते कई लोग काल की गाल में समा गए। सिर्फ विकट गर्मी के चलते तापमान जो है वो शीर्ष पर है। कहीं से भी लोगों को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है कि उन्हें हवा मिल सके, पानी मिल सके, क्योंकि पेड़ काट दिए जा रहे हैं, पौधे काट दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस अंधेरी पश्चिम में हम खड़े हैं, यहाँ एक गिल्बर्ट हिल नाम का एक इलाका है जहां पर इतनी ऊंची अट्टालिका है जिसे विश्व का आठवां अजूबा भी माना जाता है। अगर अमेरिका का डेविल हिल है तो मुंबई का गिल्बर्ट हिल, लेकिन गिल्बर्ट हिल की अस्तित्व को भी मिटा दिया गया। कई किलोमीटर तक फैले इस पहाड़ को भी काट काट के, छाट छाट के यहाँ गगनचुंबी इमारतें खड़ी की कर दी गई। तो इसे कहते हैं कुदरत के साथ खिलवाड़ करना, कुदरत की दी हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ करना। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार लौटेंगे तो कुछ लोगों की और भी लेंगे प्रतिक्रियाएं, क्योंकि मामला है विश्व पर्यावरण दिवस का। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। वैसे कभी जमीनी मुद्दों को लेकर, सड़क के मुद्दों को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के पीड़ितों की समस्या को लेकर इन 24 न्यूज समय समय पर सड़कों पर उतरा है और मुंबई करों की प्रतिक्रिया लेता आया है। सरकार और प्रशासन के बीच जो जनता पीस रही है उसकी मध्यस्थता करने की इन 24 न्यूज ने पुरजोर कोशिश की है। आज भी मुंबई कर हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं, लेकिन आज विषय है पर्यावरण को बचाने का, चूंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोना शेख है, मैं युवा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आप मुझे बताइए, युवाओं की कितनी जवाबदेही बनती है पर्यावरण की सुरक्षा करना? युवा के तो 100% अपना ये लगता है कि हम लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए एटमॉस्फेयर के ऊपर। स्कूल और कॉलेजेस में किस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए आपके अनुसार? स्कूल अवेयरनेस के अंदर तो हर एक दिन के अंदर एक घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम तो रहना ही चाहिए। जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्या उतनी संख्या में पेड़ पौधे है मुंबई में? नहीं, सबसे ज्यादा तो यहाँ पर पेड़ पौधे तो दिख ही नहीं रहे। आप देख रहे हो एसवी रोड पे एक झाड़ नहीं दिखेगा, करीब कुछ झाड़ दिखेगा। तीन आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30। 30 साल की उम्र है आपकी। आपसे एक जानना चाहेंगे तजुर्बा, सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ काटे गए? आरे के अंदर सर, आरे कॉलोनी के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे जो दादा परदादा पिता, जो हमारी पीढ़ी बीती है, उनके भी पहले के लगे हुए पेड़ों को काट दिया गया, नहीं लगता? यस, आरे कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट बोल के पेड़ काटा जा रहा है, पर लंग्स का डेवलपमेंट के बारे में लोग सोच नहीं रहे। ये जितने भी CMO है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम लोग हर चीज़ से अपील करते हैं कि लंग्स के एनवायरनमेंट के लिए भी आप इसके वो करें कि लंग्स का भी एनवायरनमेंट रहना चाहिए। डेवलपमेंट तो एक सेकेंड स्टेज है, पर लंग्स के एनवायरनमेंट का क्या? बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। 30 साल का एक युवा क्या सोचता है इन 24 न्यूज ये बताने का प्रयास कर रहा है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितना जरूरी है शहर का विकास, उतना ही जरूरी है हमारे फेफड़ों का विकास, हमारे लंग्स का विकास। हमारे लंग्स की सुरक्षा यदि होगी तो हम सांस ले पाएंगे, लेकिन जब लंग्स ये प्रभावित होगा तो हम कैसे सांस ले पाएंगे। और भी कई लोग हैं, आप आगे आएंगे जनाब। सबसे पहले आपका नाम? मोहब्बत अंसारी। मोहब्बत साहब, आज किस तरह का मोहब्बत आप फैलाने आज निकले हैं पर्यावरण दिवस के मौके पर? बस ऑक्सीजन की कैसी कमी पड़ी थी लोगों को, ये कोविड में हमने देखा है, और ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है ये भी लोगों को मालूम है। और आज जो टेम्परेचर हमने देखा कि ये डेढ़ महीने जो कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ा है, जब हम बाहर हमको जो भाप निकल रही है, आज हम देखें पेड़ नहीं है सड़क पर, हम लोग ढूंढते हैं जगह कि हम कहाँ पेड़ मिले और कहाँ किसके नीचे खड़े करें, और आज भी हम जो खड़े हैं ना इस पेड़ के नीचे खड़े हैं, वरना आज हमारा क्या हाल हो रहा होता ये हमें खुद मालूम पड़ जाता है। पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पहले उस पेड़ को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि इस पेड़ की छांव में हम सभी यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। यदि ये पेड़ यहाँ नहीं होता तो चिलचिलाती धूप से बचने का हम प्रयास करते दिखाई देते, लेकिन इस पेड़ की
इस पेड़ के छाए ने हमें यहाँ सुरक्षित खड़ा किया है। बहुत सही आपने एक बात बताया, एक बात और बताइए, शहर का विकास तो जरूरी है, क्या उतना जरूरी पर्यावरण की सुरक्षा नहीं है? उससे ज्यादा है। पीएमसी कहती है आप एक पेड़ काटोगे तो एक पेड़ लगाना होगा आपको। कोर्ट ने परमिशन दिया कि मेट्रो परियोजना के विकास काम में बाधा ना आए, इसलिए उन पेड़ों को काटा जाना जरूरी है। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जितने पेड़ आप काटोगे उतने ही पेड़ आपको लगाने होंगे। क्या लगता है आपको उतने लगाए जाते हैं? देखने को नहीं मिलता, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो देखने को नहीं मिलता। हालांकि जैसे हम काटते हैं तो हमें बराबर दिखाई देता है कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, उसी तरह जब प्लांटेशन होता है तो वो भी बीएमसी को दिखाना चाहिए कि हमने इसके बदले ये पेड़ लगाया है या उसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए। आप आगे आएंगे, आपका नाम क्या है? नीतीश पोद्दार। आपके हाथ में पोद्दार साहब लिखा है, माझी अंधेरी माझा स्वाभिमान, अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ अस, लेट अस प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फॉर जनरेशन टू कम। क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो मेरे हिसाब से ये बोलूंगा कि सबने एक झाड़ लगाने मांगता, आज की दिन संकल्प कर लो कि एक आदमी एक झाड़ लगा हुए तो कई करोड़ झाड़ लग जाएंगे। आज हम झाड़ लगाएंगे तो हमने आने वाली पीढ़ी उसका उपभोग लेगी। तो मैं आपके माध्यम से यही करना चाहूँ, जितने ज़्यादा झाड़ लगेंगे उतने ज़्यादा झाड़ लगाओ, अपनी प्रकृति बचाओ। वैसे यहाँ जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनको देखने के बाद आपको हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक खास थीम हुआ करती है जिसके अनुसार ये मनाया जाता है। साल 2019 में वायु प्रदूषण थीम थी, तो वहीं साल 2020 में जैव विविधता, साल 2021 में इकोसिस्टम का संरक्षण, तो साल 2022 में सिर्फ एक पृथ्वी थीम थी। लेकिन इस बार सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है उसे रोकना इस बार की थीम है। और हम चाहेंगे कि इन 24 न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शक आज ही ये संकल्प ले कि पर्यावरण की हिफाजत करना ना सिर्फ हमारा कर्तव्य है बल्कि ये हमारा धर्म भी है। जी सर, मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जिस तरह हम सब मिलके आज आपको जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ये भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। उसको खुद को समझना चाहिए कि हमको कोई जगह ही नहीं, हम खुद जग जाए और ये जग को जो है हम हरा भरा करें। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं हम आज सब मिल के अंधेरी रहवासी, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और अपने देश को बचाओ। तो मुंबई में भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आप देखना, वो तो हो गए लेकिन सिर्फ झाड़ लगेंगे और कल के दिन उसको पानी डालने वाला कोई होगा? मुझे बताइए अमजद साहब, थोड़ा यहाँ आइए, आप जागृत पर्यावरण समिति के आप अध्यक्ष हैं, सारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं और बतौर एक प्रतिनिधि, चैनल का जिम्मेदार प्रतिनिधि, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जितने वृक्षारोपण किए जाते हैं क्या उतनी देखरेख भी हो पाती है? सर आप मेरे साथ चलिए, जहाँ जहाँ पे मैंने लगाया हूँ पेड़ आप भी उसके गवाह है, आपके हाथों से भी काफी जगह लगाया हूँ, मलाड एसपी रोड पे, मलाड गार्डन में, वीरा दिशा में, लोखंडवाला में, मीरा रोड में, हर जगह पे लगाया हूँ। और आज जो मैंने 4 फुट का लगाया हूँ आपकी दुआ से, ऊपर वाले के कर्म से, आज वो 10-10, 15-15 फुट के झाड़ है। इसलिए है कि मैंने लोगों को, सोसाइटी को बोला हूँ कि भाई कम से कम अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम पानी उसको डालो ताकि वो आपको अच्छी और साफ सुथरी हवा दे। और इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है और अभी हम लोगों का ये संकल्प है कि हम लोग इस साल में, आने वाले साल तक हम लोग पूरे अंधेरी के अंदर लगभग 1000 झाड़ लगाएंगे और आपके ही चैनल पे हम बताएंगे कि हमने कितने से लगाए थे और कितना बढ़ गया। जरूर आपके पास आएंगे। इश्तियाक साहब आखिरी सवाल, चलते चलते, वृक्षारोपण जितने बड़े पैमाने पर किया जाता है क्या उतना मेंटेनेंस उसको दिया जाता है? क्या उसको मेंटेन किया जाता है? क्या उसका रखरखाव किया जाता है? क्या उसको सींचा जाता है? क्या उसकी बागवानी हो पाती है समय रहते? देखिए एक्चुअली कागजी पेपर में तो सब दिखाया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ किया नहीं जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। सरकारी जो महकमा है इसके अंदर सिर्फ अधिकारी ऊपर से जो है दिखाया जाता है लेकिन नीचे से कोई कार्य बराबर से हो नहीं रहा है और ये होना ज़रूरी है। आप जैसे मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता तो थोड़ा हरकत में आ जाते अधिकारी मगर काम पूरा हो नहीं रहा है। मगर आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हालात इतना ख़राब, देखो अभी जून का महीना है इसके बाद बारिश चालू होती थी और मुंबई जैसे चिलचिलाती धूप, इतनी खतरनाक धूप कभी किसी ने देखा नहीं, तोड़
आप बीच में बोल रहे थे मुंबई के अंदर, आपको पता होना चाहिए आज से 50 साल पहले मुंबई सिर्फ नागपाड़ा तक थी, उसके बाद दादर तक थी, उसके बाद माहिम तक थी, उसके बाद अंधेरी तक थी, उसके बाद मलाड तक थी, और उसके बाद दहसर तक चले गई, और अब तो नाला सुपारा मीरा रोड पालघर तक जा रही है। तो ये सब पेड़ काट कर ही इस बस्ती बसाई गई है, पेड़ काट कर ही भरनी की गई है, मैंग्रोव को काट कर ही ये पूरे बिल्डिंगें खड़ा किए, इतनी बड़ी बड़ी इमारत है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदारी सरकारी महकमा के अधिकारी है कुछ, जिनके वजह से आज ये हालात देखने पड़ रहे, इनको रोकेगा कौन? 140 करोड़ की आबादी है साहब, प्रशासनिक महकमा हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम हो, क्या एक आम नागरिक की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यदि गलत हो रहा है तो हम इनिशिएटिव लें, आगे आएं, और यदि गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें, और यदि सही हो रहा है तो हम उसकी हौसला अफजाई करें। देखिए भारत में 50 लाख संस्थाएं, और उस संस्था में से 30 लाख संस्था पर्यावरण दिवस के नहीं पर्यावरण के लिए काम कर रहे, मगर सरकारी महकमे में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे। आज बड़े बड़े हाईवे रोड पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें पानी तक नहीं छोड़ा जा रहा है, और वो सूख कर वहीं पर खत्म होते। राजस्थान जैसे शहर में पेड़ लगाना चाहिए, वहां नहीं लगा रहे। जैसे झारखंड जैसे इलाके में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ काम हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है पैसे खाने का काम कर रहे हैं, सरकारी महकमा पैसे खाने का काम कर रहे हैं, मगर एक पेड़ लगाने का काम नहीं कर रहे। और वहां बताया जा रहा है कि 10 लाख पेड़ लगाए जा रहे, वो 10 लाख पेड़ कहाँ पे? तो मुंबई जैसे शहर को विनाश किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, आने वाले नस्ल, आने वाले युवा, आने वाले मानव, ये सब इसी बीमारी में मुतबला हो जाएगा, और काफी इस बीमारी से मारे जाएंगे, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा वक्त आए कि मानव जीवन को नुकसान पहुंचे। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, पर्यावरण के को लेकर युवाओं को क्या संदेश देंगे? जो युवाओं को मैं यही संदेश जानना चाहता हूं कि आप पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादातर के, जिस तरह से मुंबई में गर्मियां हो रही है, बहुत काफ़ी हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 साल कुवैत में रहा हूँ, जिस तरह से 55 और 50 टेम्परेचर रहता है, उस तरह से मुंबई में काफ़ी गर्मी हो रही है, और गल्फ से लोग मुंबई आते थे खास करके, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुंबई पूरी दुनिया में फेमस है, मतलब अपने, और जिस तरह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, टावर बन रहा है, मुंबई वासी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन उस तरह से पेड़ और पौधे आप लोग लगाइए। मैं तमाम अपने दोस्तों और भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुंबई को बेहतर बनाएं और फिर पौधे और हरियाली लगाएं। मैं प्रॉपर मुंबई वासी नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं बिहार नवादा से हूं, लेकिन आप लोग हरियाली, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई में रहता हूं और मुंबई में जॉब करता हूं, मेरा नालंदा यूनिवर्सिटी आप पूरी दुनिया में मालूम है, लेकिन मैं मुंबई वासियों को कहता हूं कि मुंबई के लिए आप हरियाली लगाइए, पेड़ लगाइए, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी होती है, और कोरोना के वक्त में आपने देखा कितना महामारी आई है। मैं तमाम देशवासियों से, तमाम से, हर जगह पूरी हिंदुस्तान में मैं कहता हूं पेड़ पौधे लगाएं, बस यही कहना। बिल्कुल, चलते चलते सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, G20 पे इतना पैसा खर्चा हो रहा है सरकार की तरफ से, CMO के तरफ से, G20 में आप देखे होंगे कि गए हफ्ते जू चौपाटी में कम से कम मोर देन 6 करोड़ रुपीज़ खर्चा हुआ है ब्यूटिफिकेशन के लिए, कि G20 का प्रोग्राम करके। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज एनवायरमेंट डे, आज भी कुछ अगर पैसा खर्चा होता है SV रोड पे, अगर पेड़ पौधे लगते तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वार्ड ऑफिसर से, DMC से, कि आप जब G20 पे ध्यान देते हो तो एनवायरनमेंट डे के अंदर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, जैसे G20 के लिए मुंबई की सौंदर्यता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वैसे ही पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मुंबई में करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपका नाम सर? मारूफ नाम है मेरा। और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बस यही कहूँगा कि ये बहुत इंसानी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ है, क्योंकि जैसे कि अभी ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन इसको पर्यावरण ही रोक सकता है, और इसको अगर हम पेड़ ज़्यादा काट देंगे तो पॉल्यूशन को हम नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए सेव मेन ग्रोव्स, और ये हमें एनवायरनमेंट, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि प्रदूषण का पैमाना बढ़ते जा रहा है, और प्रदूषण के पैमाने को रोकने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो प्रदूषण की मात्रा कम होगी, प्रदूषण की मात्रा कम होगी, इंसानी जिंदगी ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत कामयाब होगी, उसकी जिंदगी भी काफी सुरक्षित रहेगी। तो आज पर्यावरण दिवस के मौके पर तमाम लोगों को इन 24 न्यूज शुभकामनाएं देता है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।